ये क्लास अंतिम क्लास है आज, सुन लीजिए, क्योंकि हमारे एग्जाम आ चुके हैं, 30 अगस्त से हमारे एग्जाम स्टार्ट हैं, तो ये सारी वीडियो अंतिम क्लास है। परंतु ऐसी एक ट्रिक की देखी जाऊंगा संधि की, आप कभी नहीं भूलोगे, आप कभी गलती नहीं करोगे। सबसे पहली मेरी बात तो ये है, देखिए संधि का टॉपिक, हम स्वर संधि के 5 भेद होते हैं संधि के, उनमें से स्वर संधि को कराएंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए संधि का बात करना है, संधि किसे कहते हैं, देखिए संधि का विच्छेद करें तो संधि होता है, क्या होता है, संधि मतलब कि समान, जिसके समान या जिसके समान संधि करना, जिसके समान जिसके साथ हम क्या कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं। जैसे हमने कहा महा धन आत्मा, एक महा आत्मा अलग अलग शब्द है, ये अपने आप में परिपूर्ण है, इनको जब मेल करेंगे तो ये बनेगा महात्मा। महान है जिसकी आत्मा से महात्मा तो कहते हैं, महान जिसकी आत्मा होती है उसे महात्मा कहते हैं। तो ये बन गया एक संधि, दो शब्द लिए हमने और उनका बन गया एक क्या, मेल, उसी को संधि कहते हैं। देखिए संधि हमारी 3 प्रकार की होती है दोस्तों, संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है देख लीजिए, स्वर संधि होती है एक को, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। तो मेरे दोस्तों आज बात करेंगे स्वर संधि की, ऐसी ट्रिक देखिए आपने स्वर संधि के 5 भेदों की, कि आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे, जीवन में कभी गलती नहीं करोगे। देखिए स्वर संधि के 5 भेद हैं, कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। पहला है गुण संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है दीर्घ संधि, चौथा है यण संधि और साथ ही 5वां है अयास संधि। ये तीनों ये 5 भेद हैं, शानदार तरीके से, शानदार जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से कराने वाले स्वर संधि के। देखिए स्वर का मेल होता है, स्वर का अर्थ है स्वर का मेल स्वर से हो, स्वर का मेल स्वर से हो, स्वर का मेल किससे हो, स्वर से हो, इसी से हो जाए स्वर होते हैं। देखिए स्वरों की संख्या हमने बताई थी 13 होती है, कितनी होती है, स्वरों की संख्या 13 होती है, हम इनको 3 भागों में बांटेंगे। देखिए स्वरों को हमने 3 भागों में बांटा, छोटा और बड़ा, ये एक बार में बांट देंगे, एक बार छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो बड़ा सी, इसको दूसरे वर्ग में रख देंगे। तीसरा आएगा छोटी ए बड़ी ए, छोटा हो बड़ा हो, इसको तीसरे वर्ग में रख देंगे। ये 3 वर्ग बनाए ना हमने, यहीं से इन संधियों का खेल खत्म हो जाएगा, इन्हीं 3 वर्गों से हमारे 3 संधियों का 5 संधियों का खेल खत्म हो जाएगा। जैसे हमने कहा जब 1 बराबर 2 हो, मतलब 1 बराबर 2 के पहले किसी शब्द का हमने कहते महात्मा लिया, हमने थे हमें लिया महात्मा, अब इसका खंड करेंगे महात्मा, महाधन आत्मा, महाधन आत्मा खंड कर दिया, ऐसा खंड करना जिनका कोई कोई अर्थ हो, ऐसे खंड करते जिनका कोई कोई अर्थ हो। देखिए महात्मा में पहले शब्द के अंतिम अक्षर ध्वनि निकालेंगे आ, हम किसी ध्वनि की आगे और अंतिम शब्द में पहले अक्षर बनाने के इसमें कितने मिलेंगे आ ही, जहाँ आ बराबर आ, मतलब आ बराबर आ या स्वर हो। अब आ किसमें आ रहा है, 1 वर्ग में, और आ भी 1 वर्ग में, जहाँ 1 बराबर 2 हो या 2 बराबर 2 हो या 3 बराबर 3 हो, तो साथ ही वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, जहाँ 1 बराबर 1 हो, 2 बराबर 2 हो, 3 बराबर 3 हो, वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। देखिए आगे बात करें तो दीर्घ संधि में हम 1 बराबर 1 कर देंगे, 2 बराबर 2 कर देंगे, 3 बराबर 3 कर देंगे। ये देखिए संधि का भेद है, बहुत जबरदस्त संधि का भेद है। आगे देखिए गुण संधि के लिए, यहाँ पर रख देता हूँ, गुण संधि के लिए एग्जाम्पल लेंगे, अलग अलग रख देंगे। दीर्घ देखिए गुण संधि के लिए 1 बराबर 2 होगा, वृद्धि संधि के लिए 1 बराबर 3 होगा, यण संधि के लिए 2 बराबर 1 होगा, अयास संधि के लिए 3 बराबर 1 होगा। मतलब 3 बराबर 1, 1 बराबर 2 या 2 बराबर 1 क्या है ये, तो देखिए दोस्तों यह एक मात्रा है, मतलब कि गुण संधि का जब उदाहरण होगा उसका जब खंड करेंगे तो पहले खंड में इसकी 1 वर्ग की ध्वनि निकली आ या आ की, और दूसरे खंड में दूसरे शब्द में पहले अक्षर ध्वनि निकालेंगे तो दूसरे वर्ग की छोटी बड़ी छोटा बड़ा उनमें से 5 में से किसी निकल सकती है। बात समझ गई ना। देखिए दोस्तों ये उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने कह दिया सदैव, जैसे सदैव कह दिया, अब हमें नहीं पता ये किसका भेद है, हमें यह नहीं पता ये किसकी संधि का भेद है, हम पहचान करेंगे। देखिए सदैव में हम खंड करेंगे सदाधन है, सदाधन है खंड करेंगे इसकी, तो ये खंड में सदाधन है, दाव किसकी आ की, एम किसकी बड़ी एम। देखिए आ किसमें आता है, 1 वर्ग में, एक इस वर्ग में आ गई 3 में, ये 3 वर्ग तो ये है, ये 2 वर्ग है, ये 1 वर्ग की मात्रा है। जब 1 बराबर 3 हो, जब 1 बराबर 3 हो तो हमें किसमें रख दिया, ये वृद्धि संधि में, 1 बराबर 3 मतलब गुण सदैव में वृद्धि संधि होगी, किसी संधि होगी वृद्धि संधि होगी। बात समझ आई, जैसे हमने कह दिया विद्यालय, भैया मुझे नहीं पता ये किसका संधि का भेद है, मैं बता रहा हूँ आपको, विद्यालय का संधि पूछ करेंगे विद्याधन आलय, क्या करेंगे विद्याधन आलय, विद्या का आलय, शिक्षा का आलय। देखिए धामे आगे और आमे आगे ध्वनि करके इतना जानते हो सभी, इतना तो कर लोगे, बस आपको खंड करना सीखना है, खंड ऐसे करना जिनका कोई कर दो, ये बात ध्यान रखना है, ऐसे शब्द के खंड करने जिनका कोई कोई अपने आप में अर्थ हो, अपने आप में परिपूर्ण हो। देखिए आ और आ,
हमने बताया था जब एक वर्ग की दोनों मात्रा मिले, जब एक वर्ग की दोनों मात्रा मिलेगी तो वहां क्या संधि होगी, दिल संधि, मतलब बड़ा बड़ा दोनों तरफ क्या होगा, बड़ा बड़ा दोनों तरफ समान है तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर दिल संधि होगी, कैसे संधि होगी, दिल संधि। बात समझ में आ रही है दोस्तों, ये एक बराबर एक दो बराबर दो, ये यूट्यूब पर पहली बार पढ़ाया, एक बराबर एक दो बराबर दो एक बराबर तीन, ये यूट्यूब पर पहली बार मिली क्लास आपको ऐसी क्लास नहीं मिली होगी। देखिए अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है महेंद्र, अगला एग्जाम्पल है महेंद्र, देखिए महाधनेन्द्र, महाधनेन्द्र महेंद्र का संधि विच्छेद महाधनेन्द्र हो जाएगा। देखो महा हमें आ की और ई में ई की छोटी ई की, ठीक है, आप इसमें एक में ई इसमें दो में, जहाँ एक बराबर दो हो, जहाँ एक बराबर दो हो तो वहां पर दो संधि, जहाँ एक बराबर दो हो तो वहां पर दो संधि, बात समझ में आई। अगला एग्जाम्पल लेंगे पावक, जैसे हम कहते हैं पावक, इसका गठन करेंगे पौ धनक, पौ धनक, ये पौ में बड़े होगी, अ में आगी, जहाँ बड़ा होगी इसमें आता है तीन में, आ किसमें आता है एक में, जहाँ तीन बराबर एक हो, जहाँ तीन बराबर एक होगा वहां पर आया संधि, तो पावक में पवन में ना ऐसे शब्द हो तो वहां पर दीन संधि का आया संधि का भेद होगा। जैसे हमने ले दिया गिरीश, गिरीश, गिरीश का संधि विच्छेद करेंगे गिरधनीश हो जाएगा, गिरधनीश, बात समझ आ रही दोस्तों, गिरधनीश, गुरधनीश का संधि विच्छेद किया तो गिरधनीश हुआ गिरीश, गिरीश में कौन सी संधि निकली, एक ही, इसमें भी एक ही बड़ी की, जब ई और ई एक वर्ग में आ रही है, जहाँ एक वर्ग की मात्रा दोनों जगह आ जाए वहां पर दीर्घ संधि होगी, जिसे मतलब गिरीश में दीर्घ संधि का भेद हुआ, गिरीश नाम का क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला ले लें हम जैसे, अगला हमने जैसे सुरेंद्र, क्या लिया हमने सुरेंद्र, देखिए सुरेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे, देखिए सुरधनेन्द्र हो गया, क्या हुआ सुरधनेन्द्र, सुरधनेन्द्र बराबर सुरेंद्र, देखिए सुर में आ की मात्रा निकली, सुर ई में ई की मात्रा निकली, देखिए पहले शब्द में जब पहले खंड का अर्थ निकालेंगे मात्रा निकाली वहां पर दिक्कत होगी, दूसरे शब्द में उसकी मात्रा निकाली वहां पर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां आसान मिल जाता है, कहीं भी वो मात्रा मिलती है छोटी ही हो छोटा हो, तो यहां पर पहले शब्द में थोड़ा सा कठिन होगा, कुछ नहीं ज्यादा कठिन नहीं समझने की बात है। देखिए आ में एक ही और जो ई छोटे हुए दो की आती है, आ एक वर्ग में आता है छोटी दो वर्ग में आती है, यहां हमने एक बराबर दो कह दिया, एक बार दो कहां पर है गुण संधि में, तो सुरेंद्र में गुण संधि हो जाएगी, बात समझ आई। अब यड़ संधि की बात कर लें, यड़ संधि के उदाहरण लें, जैसे हमने कहा जा परमौषध, जैसे हमने कहते परमौषध, परमौषध परम धन औषध हो जाएगा, परम धन औषध, परम धन औषध, परम औषध का संधि के छेद परम धन औषध, तो आ और ओ, आ और ओ, आ कौन से वर्ग में एक में, वड़ो कौन से वर्ग में तीन में, जहां एक बराबर तीन हो, जहां एक बराबर तीन हो तो वहां पर वृद्धि संधि होगी, तो परम औषध का संधि विच्छेद परम औषध का संधि परम धन औषध होगा, और इसमें वृद्धि संधि की भावना या वृद्धि संधि की उत्पत्ति होगी। अगला उदाहरण मैं बता दियो, अगला उदाहरण क्या होगा, जैसे मैंने दिया, जैसे मैंने दिया सदाचार, सदाचार में संधि बताइए, सदाचार, देखिए सदाचार में संधि विच्छेद करेंगे सतधन आचार, क्या हुआ सतधन आचार, तो ये किसमें पहुंच जाएगी, ये व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। आपने कह दिया हमने रमेश, क्या कह दिया रमेश, तो इसका संधि विच्छेद किया तो रमाधन ईश होगा, क्या हुआ रमाधन ईश, रमेश का संधि विच्छेद करेंगे तो मेरे दोस्तों रमाधन ईश होगा, रमा में इसकी मात्रा निकाली माँ की तो आ की निकली, और ई में ई की मात्रा निकलेगी, जब आ एक वर्ग में ई दो वर्ग में, जहाँ एक बराबर दो हो वहां पर कौन सी संधि रहेगी, गुड़ संधि होगी। भैया ये बात ध्यान रखना, जहां पर एक बराबर दो हो गुड़ संधि, जहां एक बराबर तीन हो वृद्धि संधि, जहां एक बराबर एक दो बराबर दो तीन बराबर तीन हो वहां पर दीर्घ संधि होगी, यड़ संधि दो बराबर एक देगा दो बराबर एक देगा, अया संधि तीन बराबर एक देगा। देखिए यहां पर यड़ संधि के हमने उदाहरण नहीं दे पाए क्योंकि यहां पर हमें पता नहीं इसका, ठीक है, इसका कोई उदाहरण हमें देखा नहीं, और आप इसमें पहचान कर सकते हो आसानी से। लेकिन मेरे दोस्तों हमने ये स्वर संधि के पांचों भेदों के जल्दी से जल्दी खत्म किया, तो शानदार तरीके से खत्म किया। आप वीडियो को दबाकर शेयर करें क्योंकि यहाँ से संधि पूछने